नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटसी इवेंट प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों हम कवर करने वाले हैं एसीसी वुमेन्स इमर्जिंग टी20 का मैच नंबर 7, जो कि दोस्तों में खेला जाएगा हांगकांग वुमेन्स वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स। ए टीम्स के बीच डिप्लेयर्स करेंगे स्टेडियम फुल स्टेबल फो। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले मैचेस की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों जो हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों कभी कभार दिन को और करना करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @realfwp, आपको फैंटसी इवेंट प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 26,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। दोस्तों मेरे नाम से कुछ फेक चैनल भी बने हैं, तो प्लीज आप उनसे सावधान रहिएगा। और यूजर नेम @realfwp देख के, 26,000 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों बात करें मैच की, मैच मॉर्निंग में सुबह 6:30 से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है मिशन रोड ग्राउंड हांगकांग के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं पिच की, बैलेंस विकेट मान के अपनी टीम को क्रिएट करेगा। हालांकि दोस्तों इस ग्राउंड के अंदर जो बॉलर्स हैं उनको ही एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। अभी तक इस ग्राउंड पर जो टूर्नामेंट के मैचेस खेले गए हैं बहुत ज़्यादा बड़े स्कोर देखने को मिले नहीं है, आप 120 से 140 के रेंज में स्कोरिंग देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों अभी एक मजबूत टीम और कमजोर टीम का मैच है, तो हांगकांग वुमेन्स की टीम में कुछ खास प्रदर्शन अब तक नहीं रहा। जो पहला मैच खेले थे वो इनका इंडिया वुमेन्स मैच था और इंडिया की टीम ने इन्हें वन साइडेड हरा दिया था। इनकी टीम मतलब देखा जाए तो कुछ खास नहीं कर पाई थी, बहुत कम स्कोर किया था, जिसको इंडिया वुमेन्स ने सिर्फ 5 ओवर पर ही टारगेट स्ट्रेट डाउन कर दिया था। इसलिए इनके बॉलर्स ने एक एक दो ओवर की ही बॉलिंग लास्ट मैच में कराई है, उसका कारण यही था। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इनकी टीम इस मैच में भी कमजोर रहेगी, क्योंकि इनके जो सामने टीम है ना वो पाकिस्तान वुमेन्स एक ही टीम है। पाकिस्तान वुमेन्स की जो का बॉलिंग अटैक है ना बहुत ही जबरदस्त है। इनके पास इनके 2-3 प्लेयर ऐसे हैं, स्पेशली 3 बॉलर जो पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके हैं, और बाकी इवन 4 बॉलर, 5 में से 4 बॉलर इनके हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, जिसमें से 2 ऐसे बॉलर हैं तुबा हसन और फातिमा साना, जो कि रेगुलर पाकिस्तान टीम से खेलते हैं। तो इनका बॉलिंग अटैक इतना अच्छा है कि मुझे लग रहा है सस्ते में ही रोक लेंगे हांगकांग को। बाकी बैटिंग पाकिस्तान का भी कुछ खास नहीं है, तो इसलिए हांगकांग के बॉलर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उस हिसाब से हम अपनी टीम बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे पहले दोस्तों हम हांगकांग से। इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे नताशा मैलसन, के साथ ओपनिंग करने आएंगे मार्को हिल। नताशा की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में 2 रन किए अपने करियर में हांगकांग के लिए, 22 T20 मैच खेलते सीरीज से पहले 483 रन किए थे 30 की ओवर से, हैं तो अच्छी बल्लेबाज। लेकिन सामने जिस आपका बॉलिंग अटैक है तो मुझे एवरेज पिक ही लग रहे हैं, और इस विकेट पर बैटिंग करना वैसे भी ईजी नहीं है, तो जीएल में ही ट्राई करें। मार्को हिल इंपॉर्टेंट रहेंगे, बॉलिंग भी कर सकती हैं। लास्ट गेम में बॉलिंग क्यों नहीं कराई, सिर्फ 5 ओवर पर ही लोग मैच आ गए थे, 20 ओवर का पूरा गेम होगा। निश्चित तौर में आपको 2-3 ओवर डालते हुए दिखेंगे। लास्ट गेम में 14 रन की, इस टीम की सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। 39 मैच के अंदर 755 रन, 22 की एवरेज और 25 विकेट। बस यही है कि लास्ट गेम में बॉलिंग नहीं कराई थी, लेकिन बॉलिंग ठीक ठाक करेंगी और 20-25 कभी भी बैटिंग से कर सकती हैं। संजीव सैदा एवरेज बल्लेबाज, लास्ट गेम में 1 रन किया। ओवरऑल इस सीरीज से पहले 33 गेम में 228 रन, सिर्फ 8 का एवरेज है, आप आसानी से इनको छोड़ सकते हैं। कैरी चैन भी बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करती हैं। लास्ट गेम में 0 भी आउट हुई थी, 1 ओवर डाला था, विकेटलेस रहे। ओवरऑल 41 T20 में 650 रन, 18 की एवरेज और 45 विकेट, तो बेहतरीन ऑलराउंडर वाला इनका प्रदर्शन है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकती हैं। मारिना लाम्बलुक की बात करें, थोड़ा सा नीचे खेलती हैं, लास्ट गेम में 5 रन की, ओवरऑल इनका 11 की एवरेज है, 13 गेम में 100 रन, आप इनको आसानी से छोड़ सकते हैं। एलिसा हेबर्ड की बात करें, बस ये है कि 9 का ही एवरेज है, बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है, लास्ट गेम में इन्होंने भी 0 किया, तो आप इनको भी छोड़ सकते हैं। मरियम बेबी ने लास्ट गेम में 1 ओवर डाला, आमतौर पर 3 से 4 ओवर डालती हैं, तो ये भी ठीक ठाक पिक आपके लिए रहने वाली है। लास्ट गेम में क्यों कम बॉलिंग कराई इनके बॉलर्स ने, उसका कारण मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट गेम में इंडिया की टीम ने इनको 5 ओवर पर हरा दिया था, मतलब इंडिया वुमेन्स की टीम ने इनको 35 रन के हिसाब से ऑल आउट कर दिया था। उसके बाद जब इंडिया की बारी आई थी तो 5 ओवर पर ही टारगेट चेक डाउन कर दिया था। कैरी चैन ने 2 ओवर डाले थे, 1 विकेट निकाला, इस टीम के सबसे बेहतरीन बॉलर, 44 गेम में 59 विकेट, मस्ट है पिक, जीएल में सीवीसी कर सकते हैं। रुचिता वेंकटेश सिर्फ 2 ही बॉल डाली थी, आमतौर पर भी 3 ओवर के आसपास डालती हैं। इस टीम के जो कीपर हैं बहुत नीचे खेलती हैं, आप इनको छोड़ सकते हो। इकरा सर ने भी 1 ही बॉल डाला था। ओवरऑल 20 गेम में 11 विकेट इनके हैं। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कौन सा है हांगकांग वुमेन्स का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर लगभग ही देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों इनके जो बेंच में प्लेयर हैं ये लोग शायद आपको खेलते हुए ना दिखें, तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पे पाकिस्तान वुमेन्स एक ही। लेकिन उससे पहले बता दूं आपको जो फाइनल टीम इस मैच का मिलेगा, फाइनल अपडेट मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप तुरंत टेलीग्राम से जुड़ जाएं। 26,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर रखा है, तो आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लें। अब दोस्तों पाकिस्तान ए वुमेन्स की टीम अपना पहला मैच जीत के आ रही है नेपाल से। इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे सवाल जुल्फिकर, उनके साथ ओपन करने आएंगे एमएन फातिमा। बात करें जुल्फिकर की जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, अंडर 19 की प्लेयर है, 28 रन लास्ट गेम में किए, रीसेंट का परफॉर्मेंस ठीक ठाक सही रहा है। और एमएन फातिमा और ऐसे जुल्फिकर दोनों ने साथ में अंडर 19 के लिए हमेशा से ओपन किया है, कई सारे मैचेस में दोनों साथ में ओपन किया है, इसलिए इन दोनों का प्लेयर यहाँ पे अभी आपको देखने को मिला। लास्ट गेम में दोस्तों फातिमा ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, मात्र 0 ही करके आउट हुई थी।
लेकिन जुल्फिकर ने 28 रन की इनिंग खेली थी, दोनों दोनों ही ठीक ठाक पिक है, दोनों में से किसी एक को आप ट्राई कर सकते हो, चाहो तो दोनों को भी छोड़ सकते हो, और आप सदा यहाँ पे सदा आप सैम्स के साथ जा सकते हो जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। अब लास्ट गेम में 12 रन की पाकिस्तान के लिए, 4 ODI मैच खेली है, 105 रन की 35 की वजह से, तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है तो आप इनके साथ जा सकते हैं, भी आपके लिए ठीक ठाक पिक रहने वाले, एटलीस्ट टॉप 3 में मजबूत टीम के प्लेयर है तो एक बैटर जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बैटिंग सक्सेस आपको एक ना एक प्लेयर तो लेना ही पड़ेगा, तो टॉप 3 में आप एक के साथ जा सकते हो। अब जो लोग ऐसे पे खेल रहे हैं जब 3 बैटर लेने जरूरी है तो लोग तीनों का ले सकते हैं, नहीं फिर 2 बैटर ले सकते हैं और एक ले सकते हैं यहाँ पे हांगकांग का, तो ऐसा कुछ ले लेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात करें दोस्तों यहाँ पे नटालिया परवेज की, जिन्होंने लास्ट गेम में 0 किया, बॉलिंग ज़्यादा नहीं करती हैं, 11 गेम में सिर्फ 6 विकेट हैं, बैटिंग से भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं, आप इनको आसानी छोड़ सकते हो, और लास्ट गेम में इस टीम ने सिर्फ 5 ही बॉलर का यूज किया था, लेकिन जब 6वें बॉल की जरूरत पड़ेगी तो उस कंडीशन में डाल सकती हैं। गुलफिरोजा ने 11 की, कीपिंग नहीं कराई थी, कीपिंग ऐसे एलवी ने की थी, लेकिन आप गुलफिरोजा के साथ जा सकते हो, ये बैटिंग से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 2 मैच उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेले हैं, 3 रन बनाए हैं, अब अलवी का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, आप इनको छोड़ सकते हो, दोनों ही यार मेरे हिसाब से एवरेज हैं, कुछ खास पिक नहीं, लेकिन एक लेना मजबूरी है तो गुलफिरोजा को आप ले सकते हैं। फातिमा साना बेहतरीन ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए, हमेशा खेलती हैं, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम, लास्ट गेम में 16 रन किए, 4 ओवर की बॉलिंग कराई थी, इनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन पाकिस्तान के लिए 24 T20 मैच में 123 रन किए हैं, 20 के एवरेज और 17 विकेट है, तो ये बढ़िया ऑलराउंडर है, आपको 4 ओवर की बॉलिंग करते दिखेंगे, साथ में नंबर 6-7 पे बैटिंग कर लेती हैं, तो कैप्टनसी की भी एक बढ़िया ऑप्शन है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। उम्मीद हानी राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स लास्ट गेम में 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाले, रिसेंट परफॉर्मेंस भी अच्छा है, इस तरह से पहले पाकिस्तान के लिए एक ही वनडे मैच खेला था, इनको 1 विकेट मिला था, तुवासन बहुत अच्छी लेग ब्रेक बॉलर पाकिस्तान के लिए बीच बीच में खेलती रहती हैं, जब इनको मौका मिलता है, एक अच्छी बॉलर रहने वाली जो कि आपको 4 ओवर की बॉलिंग करके डालने वाली हैं, तो उनको भी अपनी टीम में जरूर लेके जाएं, इवन कैप्टन वाइस कैप्टन की भी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि लेग ब्रेक बॉलर है जो कि गुच्छ में विकेट कभी भी लेके जा सकते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पे सईद अरूप शाह की, जो कि ये भी लेग ब्रेक है, लास्ट गेम में 4 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले, ओवर और 5 गेम में 3 विकेट, तो ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन की ग्रैंड लीग पे अच्छी ऑप्शन रहेंगी। अनुसा नासिर को भी आप ट्राई कर लीजिएगा, लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स से रखना जरूर, अंडर 19 लेवल में बहुत विकेट लेके आ रहे हैं, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, लास्ट गेम में 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाले, तो आप इनको अपनी टीम में जरूर लेके जाएं, जीएल में सीबीसी कर सकते हैं, ये 2 प्लेयर शायद ना खेलें। तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस है, आप देख लीजिए यहाँ पे पाकिस्तान बोनसे का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर लगभग यही देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं हम इस मैच की टीम की, लेकिन जो मेरा फाइनल टीम होगा, जिस टीम से मैं खेलूंगा, और टॉस के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, 26,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर रखा है, जुड़ना बिल्कुल फ्री है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर तुरंत ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों बात करते हैं इस मैच की टीम की, दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं गुलफिरोजा के साथ जा रहा हूँ, स्मॉल लीग पे ही बेहतरीन ऑप्शन है, थोड़ा सा ऊपर खेलते हैं, बाकी जो नीचे 2 प्लेयर हैं उनका कुछ खास मतलब रहेगा नहीं। बात करें दोस्तों बैटिंग सेक्शन की, यहाँ से दोस्तों मैंने एक प्लेयर लिए, ऐसे में टीम में सदाब शाम्स है, क्योंकि इनके पास थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, आप इनकी जगह चाहो तो आप यहाँ से सवाल जुल्फिकर को भी ले सकते हो, जो कि सेफ ऑप्शन नहीं है, लास्ट गेम में थोड़ा सा अच्छा खेला था, इसके अलावा दोस्तों एमएन फातिमा भी ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगी, बाकी जो लोग ऐसे पे खेल रहे हैं जहाँ पे 3 बैटर लेना है वो लोग एक नतासा माइल्स को ले सकते हैं, और जो तीसरा प्लेयर लेंगे वो एमएन फातिमा या फिर ऐसे जुल्फिकर में से किसी एक को पिक कर सकते हैं, बाकी सदाब शाम्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। ऑलराउंडर सिस्टम की बात करें, कैरी चान हो गए, नासिर हो गए, मार्को हिल हो गए, फातिमा साना हो गए, ऐसा हो गए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब जो लोग ऐसे पे खेले हैं जहाँ पे 4 लेना है, तो जो नीचे के 4 दिख रहे हैं ना, चारों इंपॉर्टेंट हैं, इन चारों को मत निकालिएगा, बाकी ऊपर जो कैरी चान आप इनके बारे में थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, नहीं तो यदि आप ड्रीम पे खेल तो 5 लेके जाएं, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों 5 करने वाले हैं। बॉलिंग सिस्टम की बात करें, बेटी चान मास्टर पिक रहेंगे, मरियम बीबी हो गई, तुबा हसन हो गई, और नीचे चलो दोस्तों ऐसे उमा हानी हो गई, ये चार को चारों में लेके जा रहा हूँ, और चारों ही अच्छी बॉलर है, बाकी यहाँ पे दोस्तों इकरा सर वगैरह, वेंकटेश वगैरह को एक आज जेल में आप रोटेट कर सकते हैं। बात करें कैप्टन कैप्टन टीम की फाइनल होगी, दोस्तों कैप्टन में करा हुआ है ऐसे फातिमा साना को, अब दोस्तों इनको कैप्टन करने का रीजन सिंपल सा है, नंबर 6-7 के आसपास आके बैटिंग कर लेती हैं, पर 4 ओवर की पूरी बॉलिंग करके जाएंगे, तो कैप्टनसी का बढ़िया ऑप्शन है। वाइस कैप्टन दोस्तों तुबा हसन है, ये भी आपको 4 ओवर की पूरी बॉलिंग करके देंगी। अब दोस्तों दोनों जो हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन है ना, दोनों के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान के लिए लगभग हमेशा खेलते रहते हैं, तो दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत अच्छे ऑप्शन है। अब इन दोनों को आप जो कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, स्मॉल लीग के अंदर दोनों मुझे बेस्ट लगे, ग्रैंड लीग में आप क्या करिएगा, इन दोनों को तो बनाइएगा, इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो मेन बॉलर हैं जो 4 ओवर पूरे डाल रहे हैं, उन सारे प्लेयर्स को भी अब जीएल में सीबीसी कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्लेयर है ना, कभी भी गुच्छे में अच्छे खासे विकेट लेके जा सकते हैं, तो इन लोगों को जीएल में सीबीसी जरूर करिएगा। बाकी यदि बात करें हांगकांग से, तो यहाँ से मार्को हिल हो गए, जो कि एक अच्छी मतलब ऑलराउंडर है, कैरी चान भी अच्छी ऑलराउंडर है, बेटी चान भी अच्छी ऑलराउंडर है, तो इन लोगों को ट्राई कर सकते हो, लेकिन यदि आप एक प्लेयर पूछो तो मार्को हिल ही सबसे टैलेंटेड ऑलराउंडर है, तो आप इनको जीएल में सीबीसी कर सकते हैं। बाकी स्मॉल लीग की टीम में रही है, और इसी टीम से मैं स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, हालांकि फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत अपडेट हो सकता है टॉस के बाद, लेकिन जो मेरी फाइनल टीम होगी, जिस टीम से मैं खेलूंगा, जो मेरी आफ्टर टॉस की टीम बनेगी, वो मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए हमें, 26,000 से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर रखा है, जुड़ना बिल्कुल फ्री है, तो तुरंत आप जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। यदि आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट बॉक्स में, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।